हाँ भैया करना, मैं बता दूंगा। बस बस रोकना, बस 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 बस। बाकी जो माइलेज आई है ना वो एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर पे प्रॉपर। तो 60 किलोमीटर को हम डिवाइड कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज वाले ब्लॉग को आप पूरा देख लेना क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग होगा। जिसने भी ये बाइक लेनी है एप्रिलिया 457, तो भाई ये ब्लॉग देखे बिना बाइक मत लेना। इसमें आपको पूरा माइलेज का बताने वाला हूँ। एक्चुअली क्या, मैं आगे का पूरा ब्लॉग जो है वो शूट कर चुका हूँ, बट मैं ये स्टार्टिंग दोबारा से आकर शूट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज है कि आप लोगों को ये बताना है कि आज फ्रेम थोड़ा सा ना एडजस्ट कर लेना। जो हमारा गोप्रो है उसका एंगल थोड़ा सा डाउन रह गया है। काफी जगहों पे ना रोड अच्छे से विजिबल नहीं है लेकिन बाइक अच्छे से विजिबल है। थोड़ा सा आज के लिए एडजस्ट कर लेना। आज तक मेरे से ऐसी गलती नहीं हुई है, पता नहीं कैसे ही हो गया, आगे से भी नहीं होगी, होप सो। तो आज के लिए माफी चाहता हूँ। बस अब वीडियो पूरी देख लेना, बहुत इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि ये हर जगह पर बाइक चली है, जाम में, अच्छे अच्छे ट्रैफिक में, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, स्पीड में 130, 125 भी, 50, 60, मतलब सिटी वाला जो होता है ना भाई माइलेज ब्लॉग, एक प्रॉपर वाला वो है। तो वीडियो को अपना प्यार जरूर देना, पूरा देख लेना यार। ज्यादा बड़ी वीडियो मैंने नहीं रखी है, काफी स्किप कर करके बनाई है, बस मेन मेन पार्ट रखा है ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए बाइक क्या माइलेज दे रही है, कैसा बाइक का रिस्पॉन्स है। तो चलो अभी आप आगे का पूरा ब्लॉग देख लो, फिर मैं आपको एंड में मिलता हूँ। गाइस आज का व्लॉग जो है ना देखो बड़ा स्पेशल है यार, शायद मैं आपको बताना भूल गया, क्योंकि देखो एक तरीके से इसकी माइलेज ना निकल के आ भी चुकी है। अभी हमारा व्लॉग अच्छे से स्टार्ट भी नहीं हुआ क्योंकि जो फर्स्ट टैंक इसका मतलब फुल करवाया था ना मैंने, तो उसके अंदर ये 30 किलोमीटर से लेस करेंगे 66.6 किलोमीटर चल चुकी है। मतलब पेट्रोल पंप तक चलते हैं और पहले इसको करवाते हैं फुल। इसके अंदर जितना भी पेट्रोल आएगा ना वो वाली माइलेज है जो फर्स्ट टैंक इसका फुल करवाया, और ये समझ लो लोकल चली है, पूजा हुई है वहाँ, बाइक स्टार्ट रही, रोड पे भी चली है स्पीड में, लोकल मतलब हाईवे के अलावा लोकल में जैसे मर्जी मान लो वैसे सब चली है। तो अभी एक बार देखते हैं अभी इसमें कितना पेट्रोल आता है, ठीक है, एक वो माइलेज हो जाएगी, फिर इसको लेके चलेंगे थोड़ा रोड साइड पे और फिर देखते हैं कि वो कितनी माइलेज निकलती है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी जो भी माइलेज निकल कर आएगी ये सर्विस से पहले की है, सर्विस से पहले क्या जस्ट 100 किलोमीटर वाली है। हाँ भैया करना, मैं बता दूंगा, बस बस रोकना, बस 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 बस। तो गाइस फुल हो गया, बल्कि पहले से ज़्यादा फुल हुआ है जितना मैंने कराया था, और अभी इसके अंदर पेट्रोल आया 4 लीटर लगा लो, थोड़ा तो एक्स्ट्रा ही है, ठीक है 4.15। अब ये 98.1 हो चुकी है। एक बार हवा भी इसकी चेक करा लूँ ताकि ये भी नहीं होगा कि हाँ हवा भी इसमें ठीक थी, माइलेज का प्रॉपर पता चलेगा। यार इसका ट्रिप पता नहीं कहाँ से ज़ीरो होता है। 4 लीटर पेट्रोल लग गया मोटा मोटा 68 किलोमीटर में, ओ भाई साहब। चलो कोई नहीं, अब जो इसका माइलेज टेस्ट मैं करूँगा ना, अब आपके सामने फुल करवा लिया है ना, अब इसको ट्राई करते हैं अगर ये ज़ीरो हो जाता है हमसे। गाइस जो कंपनी वालों ने एयर प्रेशर बताया था वो बताया था फ्रंट का कराना 29 और रेयर टायर का जो है वो करवाना है 32। गाइस अब हवा भी जो है ना वो अच्छे से चेक करवा ली है, और अपना देखो मेरे से ना भाई ये ज़ीरो नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ से इसका ट्रिप रीसेट करने के लिए 98.1 चली हुई है, ठीक है। अभी जो पेट्रोल है वो मैंने आपको बता दिया 68 किलोमीटर में 4 लीटर पेट्रोल डल गया, अब 98.1 है। अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, इको मोड में चला रहा हूँ बाइक को, और देखते हैं क्या माइलेज देती है, ठीक है। ऑडोमीटर जो टोटल है वो 99 किलोमीटर हुआ हुआ है। मुझे ना इसी बाइक के किसी काम के लिए जाना भी था, माइलेज व्लॉग भी बन जाएगा और एक वो काम भी दिखाते हैं, क्योंकि मैं बाइक पे कुछ ऐसा करवाने वाला हूँ जो अभी लोगों ने सोचा भी नहीं होगा एप्रिलिया पे कराने के लिए। तो लगभग मुझे ना 60-70 किलोमीटर जाना ही है, तो इतने में माइलेज व्लॉग भी बन जाएगा बढ़िया सा। और भाई ये सिटी वाला व्लॉग है, ठीक है, आपको भी आइडिया लग जाएगा कि हर किसी ने बाइक लेके सिर्फ हाईवे हाईवे नहीं चलानी, तो सिटी में क्या माइलेज देती है भाई वो पता चल जाएगा आप लोगों को हमेशा से। वैसे मेरा माइलेज व्लॉग ना हर बाइक का बहुत पसंद आता है, तो मैं कहा चलो ये बना लिया जाए यार। अब देखो रेड लाइट ग्रीन लाइट आती है, अगर थोड़ा बहुत होगा ट्रैफिक के हाँ लाइट है बट एकदम चलना है तो मैं बाइक को बंद नहीं करूँगा, जहाँ पर रेड लाइट थोड़ी लंबी होगी वहाँ मैं बंद कर लूँगा भाई बाइक को ना, और वीडियो भी जो है वो मैं बीच बीच में तो बंद करूँगा क्योंकि नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इतना तो कोई ब्लॉग को नहीं देखेगा। आपको मेन मेन दिखाऊँगा हाँ इतने किलोमीटर हो गए हैं, इतने किलोमीटर हो गए हैं, ठीक है। अभी जो फर्स्ट माइलेज निकली है वो तो बहुत कम है यार, मैं तो शॉक्ड हो गया सीरियसली, मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि मैंने लोगों के माइलेज ब्लॉग देखे तो 25, 24, 26 ऐसे, तो इतनी तो आ रही थी माइलेज, लेकिन हमारे तो कुछ ज़्यादा कम हो गई है।
अब ये रेड लाइट हो रही है ना, तो यहाँ मैं बाइक को बंद कर लूँगा। बाइक मैंने बंद कर दी है, ग्रीन लाइट होगी तो ऑन करते हैं। ऐसे करके जो भी बेस्ट माइलेज निकलेगी मैं आपको बताता हूँ भाई, सिटी वाली, ठीक है ना। बार बार क्लियर कर रहा हूँ, हाईवे वाली नहीं, नॉर्मल सिटी वाली। एक हाईवे की भी बना लेंगे अलग से, उसमें राइड पे जाएंगे एक आध दिन में, तो वो हाईवे वाली भी मैं आपको ना माइलेज निकाल कर दे दूँगा। वैसे 200 तक जाती है, बट अभी लिया तो मैंने 120-125 चलाई है अभी। हाँ बिल्कुल भैया, यार ये बार बार स्पोर्ट्स मोड पे आ जाती है जब भी चाबी ऑन करो ना। 5 लाख तक की जो भी बाइक लेता है ना, थोड़ा उसके लिए माइलेज कंसीडर करती है। ऐसा नहीं है भाई, लोग कई मतलब कुछ लोग तो कमेंट करेंगे जब ऐसी बाइक लेनी है तो भाई माइलेज क्या देखनी, ऐसा नहीं है यार। या तो फिर सीधा इनलाइन 4 सुपर बाइक लियो ना, तो यार सोचते हैं कि हाँ माइलेज तो कम होगी। इसमें इतनी तो निकला है कि हाँ अपना डेली यूज़ में बाइक अच्छे से हम यूज़ कर सकें। मेन गाइज, नॉर्मल जो स्पीड हमारी सिटी में रहने वाली है वो आपको भी पता है, ये मतलब 10-20 से लेकर और अप्रोक्स 70-80 या कई खाली स्पेस है तो 100 भी चली जाए। वैसे लग नहीं रहा कि 100 तक का हमें यह रोड मिलने वाला है। तो ये जो स्पीड चल रही है ना नॉर्मल, इसी स्पीड का माइलेज व्लॉग है भाई। मैं हर चीज़ क्लियर कर रहा हूँ स्टार्टिंग में, ताकि आप अपना टाइम भी दो इस व्लॉग में और पता चले आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। तो आपको हर चीज़ क्लियर करके चल रहा हूँ ताकि आप ये वीडियो पूरी देखो यार। ये रोड सीधा निकलता है पंजाब, मतलब आप समझ रहे हो बाईपास होते हुए, मुरथल होते हुए, करनाल वाला, ये वो वाला रूट है। बट ट्रैफिक तो देखो हर जगह ही होता है, इसलिए मैंने सोचा यार मैं ना एक्सप्रेस वे ना निकल के ना नॉर्मल साइड चलूँ, ताकि जेन्युइन चीज़ पता चल जाए भाई। क्योंकि मैं ना एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था भाई 25 से 28 की माइलेज मिल जाएगी, तो मैं आज एक्सप्रेस वे जाता। लेकिन जितनी कम हमें माइलेज मिली है ना भाई, मेरा ख्याल तो 15 से भी कम हो गई। तो इसीलिए मैं ना नॉर्मल पे ही आया हूँ कि पता चल जाए एक बार कितनी चलती है ये। नहीं इससे तो फिर अपनी CVR बढ़िया है भाई, इससे ज़्यादा माइलेज तो वो दे रही थी। 13 किलोमीटर कवर हुए हैं भाई। वो थोड़ा सा ना पीछे ट्रैफिक आ गया था और उसमें बाइक बिल्कुल धीरे चल रही थी, मतलब जाम टाइप ही था। तो इस व्लॉग में इंक्लूड कर लेंगे, जाम भी मिल गया। एंटरटेनमेंट वाला व्लॉग नहीं होगा भाई, क्लियर बता रहा हूँ। सिर्फ ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त माइलेज वाला व्लॉग है भाई। हर तरीके का ट्रैफिक मिल रहा है यहाँ, देखो खुला रोड मिला है तो थोड़ा सा भगाते हैं बाइक को। भाई बहुत ही ज़बरदस्त पिकअप है यार, बहुत ज़बरदस्त पिकअप है, बहुत ज़बरदस्त, एकदम उड़ जाती है। 6th गियर में उठाई है देखो, मैंने पता भी नहीं चला यार। ये बढ़िया सा फ्लाईओवर मिला है जो पूरा खाली है, टचवुड इस पर ट्रैफिक ना आए। और लगभग 5 किलोमीटर यहाँ से स्ट्रेट आ रहा है हमारा जो रूट है यार। ऐसे ही फ्लाईओवर चलता रहे तो मज़ा ही आ जाएगा यार। ये 4000 RPM पे 100 क्रॉस होती है, मतलब अभी इसके RPM इतने बचे हुए हैं भाई, ये क्या स्पीड पकड़ेगी एकदम से। गजब मशीन बनाई है भाई एप्रिलिया ने, टचवुड नज़र ना लगे, बस थोड़ी सी माइलेज अच्छी दे दे फिर तो हर तरफ से भाई बढ़िया है बाइक। ओहो ट्रैफिक आ गया। तो गाइज ऑलमोस्ट हमारे 60 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं और सामने पेट्रोल पंप है जहाँ से हमने पेट्रोल डलवाया था, प्रीतवार पेट्रोल पंप, वहीं आ गए हम। और अब देखते हैं हमारा कितने का पेट्रोल इस बाइक में आता है और क्या माइलेज निकली है। इसमें थोड़ा ट्रैफिक था, थोड़ा जाम था, खाली रोड था, नॉर्मल स्पीड 120-130 भी चली है, मतलब देखते हैं अब क्या माइलेज निकली है इसकी। बाइक कर देते हैं बंद क्योंकि अब एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं खर्चना है, क्योंकि ये माइलेज व्लॉग है ना भाई। बाइक जो हीट मार रही है ना, क्या बताऊँ मैं बस। एक तो पता नहीं जब भी इसका टैंक खोलो ना भाई, ऐसे गैस की आवाज़ आती है जैसे लिमका खोलते हैं ना, हर बार ही आती है, एक बार भी नहीं। नॉर्मल फुल कर दो भैया, ये देखो ऊपर से डरेगा। नहीं नहीं थोड़ा अंदर कर लो, है धीरे चलना भैया, बस 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 रोकना, ठीक है भैया। 2.25 मतलब उतना आया था ना, 2.25 लीटर में ये गाड़ी चली है 60 किलोमीटर। मेरा ख्याल इस कंडीशन में तो माइलेज फिर भी यार 25 के करीब आ गई शायद, है ना, जिसमें हमने जाम भी लिया है, ट्रैफिक भी लिया है, स्लो फास्ट ऑलमोस्ट सिटी कह सकते हैं, सिटी माइलेज
जिसमें रेड लाइट, ग्रीन लाइट, खाली रोड, हर तरीके की रोड कंडीशन, मतलब सब कुछ आ गया। तो उसमें हमारी माइलेज जो है वो 60 किलोमीटर्स हुई है 2.25 लीटर पेट्रोल में, 2.25 में, ठीक है ना। आप जाकर प्रॉपर कैलकुलेशन निकाल लेते हैं और आपको बताते हैं कितनी माइलेज आई है। अभी जो गर्मी से हालत है ना वो बहुत ख़राब हो चुकी है, अब मैं सीधा घर चल रहा हूँ भाई। घर पे आने के बाद अच्छे से मैंने रेस्ट कर लिया क्योंकि हालत इतनी ख़राब हो गई थी भाई, इतनी ह्यूमिडिटी है ना बाहर। बस ये ब्लॉग मुझे कंप्लीट करना था तो मैं बाइक चलाता रहूँ जैसे मर्जी करके 60 किलोमीटर, बहुत गर्मी है भाई। बाकी जो माइलेज आई है ना वो एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर पे प्रॉपर। तो 60 किलोमीटर को हम डिवाइड कर लेते हैं 2.25 से, भाई माइलेज तो ठीक आई है यार, 26.6। तो यार 26 प्लस ही माइलेज आई है। इसके अंदर अच्छा खासा ट्रैफिक भी मिला था, बाइक भगाई भी थी, लोकल भी चले, मतलब मैंने बताया ना हर तरीके से आपने देख ही लिया है। तो यार इस अकॉर्डिंग तो माइलेज ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो बढ़िया यार। जिस हिसाब से बाइक का पिकअप है भाई ज़बरदस्त है, उस अकॉर्डिंग 26 की माइलेज तो बहुत बढ़िया है। हो सकता है इससे हम ज़्यादा भी निकाल सकते हो हाईवे पे, जहाँ में जाम नहीं मिलेगा, तो ये तो 28-29 तक चली जाएगी। तो भाई ओके है बिल्कुल, गाड़ी चलाने में भी मज़ा आया बहुत। बस ये है कि हाँ मेरा हल्का सा नेक पेन हुआ है, वो हो सकता है कि मेरी थकान की वजह से हुआ हो, क्योंकि पहले भी मैंने ऐसे पोस्टर की बहुत बाइक चलाई है बट किसी में नहीं हुआ। तो हो सकता है वो मेरे कारण हुआ हो, एक बार में हम ये नहीं सोच सकते कि बाइक के कारण ही हुआ है। तो अभी लंबा टूर करेंगे, संडे राइड भी होगी, उसमें पता चलेगा अच्छे से। फिलहाल आपको माइलेज का ब्लॉग अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद, जितना मैं बोल सकता था मैंने बोल लिया, रात के 3 बजने वाले हैं लगभग और नींद अच्छे से आ रही है। बस ये ब्लॉग एडिट करके आप लोगों को मैं मॉर्निंग में दे दूंगा। एनर्जी मेरी थोड़ी सी लो हो रही है, आंखों से आपको पता चल रहा होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना यार। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय। अच्छा सा ब्लॉग लेके आऊँगा आगे भी, बस आप लोग साथ दे दो यार चैनल पर।